आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की राज्य व्यवस्था के लक्षण या विशेषताएं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं बल्कि अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को, वहां की राज्य व्यवस्था को यदि ठीक से समझना हो तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बतला रहा हूं, इनको समझना निहायत जरूरी है। यदि ये बातें ठीक से हमारी समझ में आ जाती हैं तो अमेरिका की राज्य व्यवस्था को समझने में हमें किसी भी रूप में कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, समझिएगा इस बात को। क्या बात करेंगे आज हम? संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान की विशेषता या लक्षण, अर्थात अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, अमेरिकी राज्य व्यवस्था के क्या लक्षण हैं जिसके आधार पर हम वहां की राज्य व्यवस्था को ठीक से समझ सके। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम की दृष्टि से बताना चाह रहा हूँ कि विल्सन नाम के विद्वान ने अमेरिका के संविधान के बारे में कहा है कि अमेरिका का संविधान जीता जागता और उर्वर संविधान है। क्या? अमेरिका का संविधान जीता जागता और उर्वर संविधान है, ठीक है? इस बात को किसने कहा है? विल्सन ने कहा है। अब मैं अमेरिका की राज्य व्यवस्था को समझे उससे पहले मैं एक बार फिर बताना चाह रहा हूं आपको ये बात, पिछली वीडियो मैंने बताई थी क्या कि भाई राज्य व्यवस्था के लक्षणों का हम समझे उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि राज्य व्यवस्था होती ही क्या है। तो ध्यान दें, राज्य व्यवस्था का सीधा सा तात्पर्य होता है कि वास्तव में राज्य व्यवस्था उन अंतः संबंधित क्रियाओं का समग्र होता है, समुच्चय होता है, जिनके द्वारा समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है। इसका मतलब इस अभिप्राय के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल और जितने भी गैर राजनीतिक समुदाय होते हैं वो किसी न किसी रूप में वास्तव इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। कुल मिला के हम एक कह सकते हैं कि चाहे कोई भी समूह या समुदाय क्यों ना हो, चाहे वो राजनीतिक या गैर राजनीतिक की क्यों ना हो, वास्तविक रूप में यदि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभाव डालता है तो उन सब बातों को हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, ठीक है? इसमें सम्मिलित करते हैं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। ये राज्य व्यवस्था का सबसे मतलब वास्तविक उचित अभिप्राय है, इसको ध्यान में आपको रखना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। आप किसी देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो भाई उसमें यही तो बातें होती हैं, या तो व्यवस्थापिका की बात होती है, या कार्यपालिका की बात होती है, या न्यायपालिका की बात होती है, या वहां पर पार्टी सिस्टम कैसा है, राजनीतिक दल की बातें होती है। इसी का आधार पर उसके लक्षण बन जाते हैं, और जब लक्षण हम समझ जाते हैं तो संविधान में शेष रहता ही क्या है भाई? हम उसके संस्थागत ढांचे को जब समझ जाते हैं तो शेष कुछ भी नहीं रहता है। मैं विशेषकर जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान से संबंधित एक एक बात को मैं ठीक तरीके से आपको समझाएं, यह मेरा मूल प्रयास रहेगा। तो ध्यान दें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जो इसका लक्षण देखेंगे वो ये देखेंगे कि भी किसी भी देश का जो संविधान है वह लिखित है या अलिखित है। तो ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं तो अलिखित है, उसमें कोई आर्टिकल नहीं, कोई अनुच्छेद नहीं है। वहां की राज्य व्यवस्था का संचालन परंपराओं के द्वारा होता है, अभी समूह के द्वारा होता है, संवैधानिक परंपराओं के द्वारा होता है। बात क्लियर होगी? अब अमेरिका की राज्य व्यवस्था की बात आती है तो सबसे पहले हम कहेंगे कि अमेरिका का संविधान लिखित तथा संक्षिप्त संविधान है। क्या? वहां का संविधान लिखित है। कैसा है? लिखित है। और इसके साथ में यहां मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है। क्या? दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है, जो कि कब लागू हुआ था? 4 मार्च 1789 को। नोट कीजिएगा, 4 मार्च 1789 को दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है। दूसरा क्या है? संक्षिप्त संविधान है। बिल्कुल क्लियर कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दुनिया में सबसे संक्षिप्त संविधान है। इतना संक्षिप्त, इतना छोटा संविधान है कि इसको मात्र आधे घंटे मतलब 25 से 30 मिनट में पढ़ा जा सकता है। और इतना संक्षिप्त है, इसमें केवल अनुच्छेद कितने? 7 अनुच्छेद है बस। कितना अनुच्छेद है? 7। इसलिए इसका पहला लक्षण होगा ये, क्या? कि ये लिखित संविधान है और संक्षिप्त संविधान है। क्लियर हो गई ये बात? तो अब इसके बाद में दूसरी जो बात है, यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि अनुच्छेद कितने हैं वहां पर? केवल 7। कितने अनुच्छेद है? 7। आज तक संविधान कितने संशोधन हो गए? 27। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, कितने संशोधन हुए हैं, केवल इतना लंबा समय हो गया उसके बावजूद भी वहां पर संविधान में केवल 27 संशोधन हुए, जबकि हमारे यहाँ पर भारत का संविधान कब लागू हुआ था आप सबको मालूम, कितने संशोधन हो गए? 104 संशोधन हो चुके हैं इतने कम समय में भी। ऐसा क्यों? इसकी बातें आगे करेंगे हम।
तो दूसरा लक्षण क्या है, लौकिक प्रभु सत्ता में विश्वास। क्या इस राजव्यवस्था के अंतर्गत लौकिक प्रभु सत्ता में विश्वास है। क्यों है? क्योंकि जब हम वहां के संविधान का अध्ययन करते हैं तो वास्तविक रूप में वहां के संविधान की प्रस्तावना बात स्पष्ट रूप में कहती है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक इस संविधान को स्वीकृत करते हैं। इसका मतलब हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वास्तविक रूप में वहां पर संप्रभुता जो वास है वो किसमें, अंतिम रूप में जनता में, इसमें जनता में। तो यह इसका एक लक्षण है इस पॉलिटिकल सिस्टम का। तीसरा लक्षण क्या है भाई, ध्यान देंगे, सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, गणतंत्रात्मक शासन। क्या गणतंत्रात्मक शासन? अब यहाँ विद्यार्थी भ्रमित होते हैं कि भाई कहीं राजतंत्रात्मक है कहीं गणतंत्रात्मक है, तो इसमें अंतर क्या है, अब ध्यान देंगे। देखो जहां राजतंत्रात्मक शासन होता है, जैसे हम ब्रिटेन के बारे में कह सकते हैं, तो राजतंत्र किसको कहते हैं, गणतंत्र किसको कहते हैं, सबसे पहली बात स्पष्ट होनी चाहिए। देखो जब किसी देश का राज्याध्यक्ष वंशानुगत होता है, क्या होता है, वंशानुगत, उसको कहते हैं राजतंत्रात्मक शासन, जैसे कि ब्रिटेन के अंतर्गत। क्लियर? अब गणतंत्रात्मक शासन क्या है, गणतंत्रात्मक शासन का अर्थ क्या है, इसको ध्यान से समझे। जब किसी भी देश का, हम केवल एक देश की बात नहीं कर रहे यहां पर, जब किसी भी देश का राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है, क्या होता है, निर्वाचित होता है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, यदि वह निर्वाचित है तो उसको गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहा जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा उसका चुनाव होता है। क्लियर? इसका मतलब राष्ट्रपति क्या है, वहां निर्वाचित है, इसलिए गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। भारत की बात है, क्या भारत में राजतंत्र है, नो, भारत में क्या है, गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो राज्याध्यक्ष मीन्स राष्ट्रपति वो निर्वाचित है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, निर्वाचित है तो गणतंत्रात्मक शासन होगा। क्लियर? तो भारत में भी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, अमेरिका में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ये इस पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। क्लियर? मतलब आज हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करते हैं, शासक पद पर राजनीतिक पद की बात हम करते हैं, तो अमेरिका का राष्ट्रपति सभी शासकों से ज्यादा शक्तिशाली। इसका तात्पर्य नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, मीन्स वह जब हम अन्य देशों से तुलना करते हैं शासकों से, तो सबसे शक्तिशाली है कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति का पद। अगली बात, अगला लक्षण पॉलिटिकल सिस्टम का, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, ध्यान देंगे क्या बोल रहा हूँ बार बार मैं, राज्य व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम की, संविधान की सर्वस्था। भाई ये बात मैं आपको बार बार कहता हूँ, पिछली वीडियो में कहा था कि किसी भी देश के संविधान का अध्ययन करते हैं तो हम पाते कहीं संसद की सर्वोच्चता होती है, कहीं संविधान की सर्वोच्चता होती है, कहीं न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है। तो भाई अमेरिका की बात करें तो वहां पर सर्वोच्च कौन है, संविधान की सर्वोच्चता है। अनुच्छेद 6 में ये बात कही गई है, कहां, अनुच्छेद 6 में ये बात कही गई है। अब संविधान की सर्वोच्चता का मतलब क्या है, संविधान की सर्वोच्चता का मतलब ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत कांग्रेस, क्या कह रहा हूं मैं, कांग्रेस राष्ट्रपति मींस कांग्रेस व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही संविधान के अधीन है। ये तीनों किसके अधीन है, संविधान के अधीन है, अर्थात अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। नोट कीजिएगा किसको, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। जबकि हम ब्रिटिश संविधान से तुलना करते, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम से तुलना करते हैं, ब्रिटेन में भाई किसकी सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता है, मतलब वहां की संसद कोई भी कानून बनाए उसको न्यायपालिका का घोषित नहीं कर सकती। क्लियर? ध्यान रखने की बात है ये इसके ऊपर प्रश्न बनना है, सबसे महत्वपूर्ण, प्रत्येक लक्षण में एक प्रश्न बनना, एक नहीं अनेक प्रश्न बनना है, समझेंगे कि संविधान की सर्वोच्चता कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होगा कि वहां पर संविधान की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता कहां पर है, ब्रिटेन में, कहां पर है, ब्रिटेन में, जबकि भारत में दोनों का समन्वय किया गया है। बार बार बता रही बात मैं आपको। अब ध्यान दें अगला जो लक्षण है वो क्या है, कठोर संविधान। भाई संविधान में संशोधन की पद्धति के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के संविधान होते हैं, लचीला और कठोर। लचीला किसको कहा जाता है, लचीला संविधान उसको कहा जाता है जब किसी भी देश के अंतर्गत सामान्य कानून और संवैधानिक कानूनों को बनाने की प्रक्रिया एक समान होती है तो उसको लचीला संविधान कहा जाता है, और जब किसी भी देश के अंतर्गत संवैधानिक कानून, ध्यान दें संवैधानिक कानून और सामान्य कानूनों को बनाने की प्रक्रिया अलग अलग होती है तो उसे कठोर संविधान कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा ही है, सामान्य कानून और संवैधानिक कानूनों की बनाने की प्रक्रिया अलग अलग है, इसलिए वहां पर कठोर संविधान, और कठोर संविधान होने के कारण ही इतना लंबा समय हो गया, उसके बावजूद भी वहां केवल 27 संशोधन हुए, और 27 में से भी प्रथम 10 संशोधन तो जनता के मूल अधिकारों से संबंधित है। तो हम देखें तो वास्तव में कितने संशोधन हुए,
कोई ज्यादा संशोधन नहीं हुए हैं। क्लियर हो गई बात? क्या कठोर संविधान। अब संविधान में संशोधन करने की वहां पर दो पद्धतियां, मगर जिसमें पहली जो विधि है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरी विधि भी है, मगर दूसरी विधि में हम ये कहेंगे कि केवल 21वां संविधान संशोधन उस आधार पर किया गया था, बाकी सारे संविधान संशोधन प्रथम विधि के आधार पर किए गए। प्रथम विधि क्या है कि दो तिहाई कांग्रेस के दोनों सदन, क्या कांग्रेस, कांग्रेस किसका नाम है, अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है, दोनों सदन कांग्रेस प्रतिनिधि सभा, क्या कांग्रेस के जो सदन है वो क्या होंगे, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। कांग्रेस के दो सदन कौन से होंगे, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो दो तिहाई कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा उसको स्वीकार किया जाए और तीन चौथाई राज्यों के विधानमंडलों को उसको समर्थन यदि मिल जाता है तो संविधान में संशोधन होगा, अन्यथा उसमें संशोधन नहीं होगा। तीन चौथाई राज्यों के विधानमंडलों का, वहां पर राज्य की संख्या कितनी है, 50, कितनी है 50, तो तीन चौथाई राज्य के विधानमंडलों का समर्थन मिलना चाहिए तो ही इसमें संशोधन होगा, अन्यथा संविधान में संशोधन नहीं होगा। और भी तीन चौथाई राज्यों का समर्थन प्राप्त करना कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए यहाँ का जो संविधान वो कैसा है, कठोर संविधान है। क्लियर? यहाँ पर प्रश्न बन रहा है प्रथम विधि क्या है, दो तिहाई कांग्रेस तीन चौथाई राज्यों के विधानमंडल, राज्यों की संख्या कितनी है, 50। अगला संघात्मक शासन प्रणाली, मैं आपको बता चुका हूं कि वास्तविक रूप में केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति के विभाजन की बात आती है तो इस संदर्भ में मुख्यतः दो प्रकार की प्रणाली होती है, एकात्मक, क्या एकात्मक, दूसरा संघात्मक। ठीक है, संघात्मक। अब एकात्मक में क्या होता है, जब किसी भी देश के संविधान के द्वारा सीधे एक अकेले केंद्र सरकार को संपूर्ण शक्तियां सौंप दी जाती हैं तो एकात्मक शासन प्रणाली होती है। ये बात अलग है कि वहां पर केंद्र सरकार चाहे तो स्थानीय सरकारों को शक्तियां सुपुर्द कर सकती है, मगर ये बात भी सही है यदि केंद्र सरकार चाहे तो स्थानीय सरकार शक्तियां छीन भी सकती है, क्योंकि शक्ति देने वाला केंद्र सरकार संविधान नहीं है। जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है, सीधा संविधान के द्वारा, इसके द्वारा सीधा ही संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है केंद्र और राज्यों के मध्य, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत। मगर यहाँ एक प्रश्न और बन रहा है कि वास्तव में शक्ति का बंटवारा किया गया है लेकिन शक्ति के बंटवारे में एक सिद्धांत अपनाया गया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, JRF वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, विशेषकर कॉलेज लेक्चर फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है कि शक्ति के बंटवारा का सिद्धांत क्या है वहां संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो आप कहेंगे गणना और अवशेष का सिद्धांत अपनाया गया है। क्या अपनाया गया है, गणना और अवशेष का सिद्धांत। गणना और अवशेष क्या होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र की शक्तियों की गिनती करा दी गई है कि ये शक्तियां आपके पास होंगी, इन इन पर आप कानून बनाएंगे, बाकी जो कुछ बचा हुआ है वो राज्यों का है। इसको क्या कहते हैं, गणना और अवशेष। गणना एक की शक्ति गिना दी गई है, किसकी गिना दी गई है, केंद्र सरकार की, संघ की, और अवशेष जो कुछ बचा हुआ है वो किसका होगा, राज्यों का होगा। इसे को क्या कहा जाता है, गणना और अवशेष का सिद्धांत। तो यह है संघात्मक शासन प्रणाली में ध्यान रखने की बात है। क्लियर होगा? तो अमेरिका में क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली। एक बात और कि संघात्मक शासन प्रणाली में तीन तत्व अति आवश्यक होते हैं, वो तीन तत्व जहां मौजूद होते हैं वो संघात्मक शासन प्रणाली होती है। पहचान का तरीका बता रहा हूं, तीन तत्व कौन से होते हैं भाई, नंबर एक वहां का संविधान लिखित होना चाहिए, तो अमेरिका का संविधान लिखित है। दूसरा क्या, वहां शक्ति का बंटवारा होना चाहिए, वहां शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य। तीसरा क्या है, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, अमेरिका में ऐसा है, इसका मतलब लिखित संविधान भी है, शक्ति का विभाजन भी है और स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय भी, तीनों लक्षण मौजूद है संघात्मक शासन प्रणाली। भारत में तीनों लक्षण है संघात्मक शासन प्रणाली। ब्रिटेन की बात करते हैं, क्या वहां संविधान लिखित है, नौ अलिखित है। दूसरा शक्ति का बंटवारा है, नहीं, केंद्र को सारी शक्तियां दी गई है। तीसरा न्यायपालिका स्वतंत्र, नौ नहीं है, तीनों लक्षण नहीं है, इसका मतलब वहां क्या, एकात्मक शासन प्रणाली। नोट कीजिएगा ये एग्जाम दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है कि संघात्मक शासन प्रणाली के तीन लक्षण महत्वपूर्ण कौन से होते हैं, लिखित संविधान, शक्ति का विभाजन, स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायपालिका, सशक्त न्यायपालिका, तीनों लक्षण मौजूद है। नोट कीजिएगा, भारत में भी है, अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में नहीं है, तो ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है, यहाँ संघात्मक है भारत में, और अमेरिका में भी संघात्मक है। अगली बात सबसे महत्वपूर्ण, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, क्या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। वास्तविक रूप में पूरी दुनिया की हम बात करते हैं तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। क्या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। जबकि संस्थात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, ब्रिटेन। संस्थात्मक शासन प्रणाली की जननी भी कहा जाता है ब्रिटेन को। क्लियर? अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मीन्स कि वास्तविक रूप में वहां पर जो कार्यपालिका का प्रधान होता है मुख्य होता है शक्तिशाली होता है राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति का जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है। अगली बात कि वहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति और कांग्रेस, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से बिल्कुल पृथक हैं, एक दूसरे से किसी रूप में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है। अमेरिका में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल कांग्रेस के प्रति किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं है, मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। वहां पर वास्तविक रूप में हम कहें कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति और कांग्रेस, इनका जो कार्यकाल होता है निश्चित है, स्थायी है। इसलिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में स्थायित्व का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। अगली बात, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक ही प्रधान होता है कार्यपालिका का, वही नाम मात्र का, वही वास्तविक। ध्यान देंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक ही प्रधान होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का पद है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्या प्रधानमंत्री है, नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक ही प्रधान होता है, संसदात्मक शासन प्रणाली में दो प्रधान होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में राजा प्रधानमंत्री, भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। राजा क्यों? क्योंकि राजतंत्र है। राष्ट्रपति क्यों? क्योंकि गणतंत्र है, निर्वाचित है। क्लियर? एक प्रधान अध्यक्षात्मक में, दो प्रधान संसदात्मक शासन प्रणाली में है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण जो विशेषता होगी आओगी स्थायित्व का सिद्धांत, अर्थात यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका किसी भी रूप में एक दूसरे को पद से हटा नहीं सकते। महाभियोग की प्रक्रिया की बात अलग है, बाकी इसके अलावा पद से नहीं हटाया जा सकता है, और ये एक दूसरे से किसी भी रूप में घनिष्ठ रूप में संबंधित नहीं है। मतलब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की बात आए तो कार्यपालिका मीन्स राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका की प्रति, व्यवस्थापिका मीन्स कांग्रेस की प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ये दोनों पूर्णतया पृथक पृथक होते हैं, और राष्ट्रपति इसके अंतर्गत मुख्य होता है, इसलिए इसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। नोट कीजिएगा, अब इसके लिए हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए, लेकिन यहाँ केवल अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के लक्षणों की बात करें, बस केवल यहाँ ये ध्यान रखें। तो इसमें कितनी ही महत्वपूर्ण बातें होंगी जो आपको ध्यान में रखना है। अगला, न्यायिक सर्वोच्चता। क्या? न्यायिक सर्वोच्चता। सीधी सी बात है, जब वहां वास्तविक रूप में संविधान को सर्वोच्च मान दिया, तो भाई संविधान को सर्वोच्च बना दिया गया, सर्वोच्च माना गया, तो संविधान की रखवाली कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायपालिका करेगी। कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। इसलिए वहां पर न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को भी अपनाया गया। क्या? न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को भी अपनाया गया। अर्थात यदि वास्तविक रूप में कांग्रेस के द्वारा संविधान के अनुरूप कानून नहीं बनाया जा रहा, तो न्यायपालिका उसके द्वारा बनाए हुए कानूनों को अवैध घोषित कर देगी, और इसी के साथ में राष्ट्रपति को भी किसी न किसी रूप में अपने नियंत्रण में रखा जाता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण कोटेशन, जेम्स बैंक क्या करे हैं, जेम्स बैंक क्या करे हैं कि संविधान का संतुलन चक्र कहा है इसको, किसको? न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय को। क्या? संविधान का संतुलन चक्र, बैलेंस, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन बनाए रखती है वहां की न्यायपालिका। कितने अच्छा सिस्टम है वहां पर कि न्यायपालिका वास्तविक रूप में शक्तियों का संतुलन बना के रखती है। तो न्याय सर्वोच्चता होगी इसकी विशेषता, ये भी ध्यान में रखना है। अगला, नौ, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। कैसे? वहां पर वास्तविक रूप में जब हम संविधान के अनुच्छेद की बात करते हैं, तो अनुच्छेद एक, अनुच्छेद दो, अनुच्छेद तीन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की स्पष्ट रूप में पृथक्करण किया गया है, शक्ति का स्पष्ट रूप में बंटवारा किया गया है। तीनों को ही अलग अलग रूप में कार्यकाल रखा गया है, तीनों की शक्तियां अलग अलग रखी गई है। किस लिए? जिससे कि एक शक्ति तानाशाही ना बन सके, इसलिए शक्ति का बंटवारा किया गया है। किस किस में? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। शक्ति का विभाजन पृथककरण ही क्या है? शक्ति पृथककरण है। वास्तविक रूप में सिद्धांत को देने वाले कौन है? मोंटेस्क्यू। कौन? मोंटेस्क्यू, ध्यान रखेंगे। अब शक्ति पृथककरण के लिए भी हम व्यापक रूप में अलग से वीडियो बनाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ तो सिर्फ एक लक्षण के रूप में इसको हम दे रहे हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्ति का पृथककरण किया गया। लेकिन अब अगला लक्षण इसी से बनेगा, क्या? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शक्तियों का बंटवारा तो कर दिया, लेकिन मान लीजिएगा कांग्रेस को कानून बनाता है, कांग्रेस मतलब वहां की व्यवस्था का है, कानून बनाता है और राष्ट्रपति बार बार उसके ऊपर वीटो करे तो, और ये कहे कि ठीक है हम इनको लागू नहीं करेंगे इन कानूनों को, तो क्या राज व्यवस्था की पूरी जो प्रणाली है वो नहीं गड़बड़ाएगी? क्या राज व्यवस्था ठीक से संचालित की जा सकती है? क्या शासन व्यवस्था सुचारू रूप में कार्य कर सकती है? क्या शासन व्यवस्था ठप नहीं होगी? जी, अवश्य ठप होगी। इसलिए वहां पर दूसरा जो लक्षण सबसे महत्वपूर्ण, मतलब दसवां लक्षण बन रहा है कि वहां इसलिए नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है। क्या? नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है।
हाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका मतलब क्या है, कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था इस रूप में की गई है कि सरकार जो तीन अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें एक अंग दो पर नियंत्रण रखेगा, दो एक के ऊपर नियंत्रण रखेंगे। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, किस पर, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत। यहां तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि वहां पर नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया, मतलब वास्तविक रूप में शक्ति को ही शक्ति का विरोधी बना दिया गया, शक्ति को शक्ति का विरोधी, मतलब शक्ति का मतलब क्या है यहां पर, सरकार के एक अंग, शक्ति को शक्ति का विरोधी बना दिया है, जिससे कि शक्ति का संतुलन बना रहे और किसी भी रूप में शक्ति का दुरुपयोग ना हो, इसलिए वहां पर नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है। अर्थात सरकार का एक अंग दो पर नियंत्रण रखेगा, दो एक पर नियंत्रण रखेगा, कैसे, कांग्रेस राष्ट्रपति और न्यायपालिका पर नियंत्रण रखेगी और राष्ट्रपति और न्यायपालिका कांग्रेस पर नियंत्रण रखेंगे, ठीक यही बात तीनों पर लागू होगी, व्यापक रूप में जाने की हमें आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे होंगे। अगला जो लक्षण है कि संघात्मक शासन प्रणाली में क्लियर है नागरिकता दोहरी होती है, कैसी होती है, दोहरी होती है, भारत इसका अपवाद है, हमारे यहां पर एक ही नागरिकता है, जबकि एक ही नागरिकता एकात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है, लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली की बात आए तो वहां पर दोहरी नागरिकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक संघ की और दूसरी राज्य की, किसकी, राज्य की, राज्य की संख्या कितनी है वहां, 50, याद रहेगा कितनी है, 50, नागरिकता कैसी है, दोहरी, संघ की दूसरी राज्य की। अगला 12वां लक्षण क्या है, अधिकार पत्र, देखो वहां व्यापक अधिकार पत्र की व्यवस्था की गई है, इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि मतलब मानव के अधिकारों की चर्चा की गई, मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई, मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, इसमें ध्यान रखने की बात सिर्फ ये है कि वहां संविधान के प्रथम 10 संशोधनों द्वारा वास्तविक रूप में मानव के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, ध्यान रखना है। अब हम कितने लक्षण बता सकते हैं इसके अंतर्गत, लेकिन मैं मुख्य मुख्य बातें यहां बता रहा हूं। अगली जो बात आ रही है, देखो ये आपका हो गया एक प्रकार से 13 लक्षण, क्या, कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं पिछली वीडियो के अंतर्गत भी, कि वास्तविक रूप में वहां ये भी तो देखा जाए कि पार्टी सिस्टम कैसा है। पार्टी सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, दल बनाने तीन प्रकार की होती है, ध्यान दें, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहां पर है दुनिया में, चीन, कहां है, चीन, क्या नाम उस दल का, साम्यवादी दल। अब अमेरिका में क्या है, द्विदलीय प्रथा है, क्या है, द्विदलीय, वहां पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक दो ही दल है मुख्यतः। मैंने पहले आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि वास्तविक रूप में इसका मतलब ये नहीं कि वहां अन्य दल नहीं हो, अन्य दल भी हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में राजनीतिक स्तर पर जो प्रतियोगी दल होते हैं केवल दो ही होते हैं। तो अमेरिका में क्या है, ध्यान दें, द्विदलीय प्रथा, द्विदलीय व्यवस्था है, दो दलीय व्यवस्था है, नॉट, इसके आधार पर भी हम लक्षण बना सकते हैं किसी भी देश के संविधान का, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन इसके आधार पर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले कह दिया था अध्ययन राज्य स्तर किसका करेंगे भैया, हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, अन्य गैर राजनीतिक समूह, समुदाय, किस लिए, यदि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पर प्रभाव डाला जा रहा है तो उनका भी हम अध्ययन राज्य व्यवस्था में करेंगे करेंगे करेंगे। अंतिम सबसे महत्वपूर्ण है ये भी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वहां पर ये भी देखना होगा कि जो व्यवस्थापिका है एक सदनीय या द्विसदनीय, संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। इसका मतलब क्या है, द्विसदनात्मक अर्थात वहां पर व्यवस्थापिका मतलब कांग्रेस के दो सदन है, कितने सदन है, दो, कांग्रेस क्या है, व्यवस्थापिका का नाम है, कांग्रेस के दो सदन कौन से है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, प्रतिनिधि सभा और सीनेट पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और चीन की बात आए तो वहां पर क्या है, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका, भारत की बात आए दो सदनात्मक व्यवस्थापिका, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ब्रिटेन की बात आए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, जापान की बात आए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, स्विट्जरलैंड की बात आए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, मतलब ज्यादातर जगह हम ये कहेंगे कि आज द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाओं का भविष्य उज्ज्वल है। क्लियर, तो ये हो गए अमेरिकी राज्य व्यवस्था के लक्षण। ये एक मैंने मोटा सा खाका तैयार किया है जिसके आधार पर हम अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक से समझ सके। अब इन प्रत्येक एक एक बात के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। मेरा मूल उद्देश्य एक ही है
कि मैं वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान में ज्यादा से ज्यादा जानकारी विद्यार्थियों को देना चाहता हूँ। तो प्लीज यदि आपको हमने जो राजव्यवस्था के संदर्भ में बातें बताई हैं वो समझ में आ रही हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।